अच्छा, हामिला खवातीन के हवाले से एक मसला बहुत ज्यादा चीज पेश आती है। तो देखिए, पहला वाला असूल अभी आगे कुछ ना पढ़ें आप, सिर्फ पहली लाइन इसके अंदर पढ़ें कि अगर रोजा रखना उसके और उसके बच्चे के लिए नुकसान का बाइस नहीं है तो रोजा रखना वाजिब है। ये पहला असूल। इसमें किसी एहतेमाली वीक सा जो एक एहतेमाल होता है कि कहीं कोई नुकसान ना हो जाए, ये इसको इस्लाम ने इसको बिल्कुल काबिल एतना नहीं। वो आपने सुन लिया कि ऐसा कि उकला के नजदीक ये बात हो कि नहीं बहुत शदीद नुकसान इससे होगा। तो मसलन अगर जो हामिला औरत है अगर वो अपने गजा का अच्छा ख्याल कर ले, भाई देखिए आमतौर पर कितनी पानी की उसके अंदर कम, आमतौर पर खवातीन को देखने में आता है कि सुबह, अब तो लाइफ स्टाइल ही हो गया कि रात को पूरी रात जागते हैं, सुबह सोती हैं और उसके बाद 3-4 बजे तक सोकर उठ रहे हैं, तो उसके बाद 2-3-4 जो है सिर्फ घंटे सिर्फ गुजारना, ऐसा कौन सी इसमें कबाहत लाजिम आ रही है कि इतना नुकसान हुआ चला जा रहा है कि जिससे रोजा छोड़ा जाए। गजा का इंसान अपना ख्याल कर ले, सहर व इफ्तार के दरमियान पानी की उतनी मकदार अपने अंदर स्टोर कर ले जिस तरीके से जितनी जरूरत होती है आमतौर पर, तो उससे कोई नुकसान नहीं होगा बल्कि फवायद होंगे। बल्कि इस पर हमारी पूरी गुफ्तगू हो चुकी है कि रूहे ईमान उसके जिस्म से निकल जाती है। जो भी कोई बिला उजर शरी इस तरह से रोजा छोड़ता है तो बच्चा रोजाखोरी का और विलादत के बाद जो माएं जो है आमतौर पर 40-40 दिन तक गुसल किए बगैर और नमाजें छोड़ती हैं अपनी, तो वो रोजाखोरी का पैगाम लेके पैदा होता है, नमाजों को छोड़ने का पैगाम लेके पैदा होता है और कितनी सारी इस तरह की कबाहतें, तो वो उसके अंदर एक रूहानी कमजोरी लाहक हो जाती है उस बच्चे में कि सारी जिंदगी वो बेचारा लड़ते झगड़ते ही अपने आप से गुजारता रहता है, कमजोरी आ गई। जिस तरीके से एक बच्चा जो इब्तदाई तौर पर कमजोर या ऐसी कोई खराबी पैदाइशी लाहक होती थी तो सारी जिंदगी उससे उसको लड़ते हुए गुजारना पड़ती, तो इसी तरीके से वो रूहानी कमजोरी लेकर पैदा होगा। तो खवातीन को देखना चाहिए कि उस वक्त अगर वो उनके लिए रोजा रखना नुकसान का बाइस नहीं बन रहा है तो वाजिब है कि रोजा रखें, अपनी गिजा वगैरह का ख्याल रखें और इंशाल्लाह कोई उनको नुकसान नहीं होगा। अच्छा, अब ये आपको बताया जाए कि ये अच्छा फितिये के एतबार से, अच्छा अब दो मसले बनते हैं। पहले हम सबसे नीचे वाले पैराग्राफ पे अब आ जाते हैं। अगर हमल पहले महीने से लेकर 7वें महीने के आखिर तक का है तो इसको इस्लाम यानी ये इसकी डिलीवरी अभी बहुत उसको समझता है कि अभी दूर है और वो फिदिये वाला मसला इसके ऊपर नहीं आता। इसमें इसका वही हुक्म होगा कि आमतौर पर जो एक बीमार का शदीद नुकसान बीमारी की वजह से पहुंचने का जो एहतमाल होता है वो वाला हुक्म होगा इसका। यानी अगर बच्चा जो है वो 1 महीने से लेकर 7 महीने तक का है, 7 महीने के आखिर तक, इस दौरान अगर इतना कवी उसका इम्कान हो जाए कि इसको शदीद नुकसान इस औरत को होगा या इसके बच्चे को होगा तो फिर वो रोजा छोड़ सकती है और बाद रमजान उसको सिर्फ और सिर्फ कजा करनी है, कोई कफ्फारा और फिदिया नहीं देना। ये एक फर्क है। लोग सोचते हैं कि बस हामिला रोजा छोड़ दे तो फिदिया दे दे, नहीं, दो फर्क है। हां, अलबत्ता अगर हमल 8वें या 9वें महीने में और उससे आगे के लिए हो, आगे का हो और उसे खुद नुकसान पहुंचने का अंदेशा हो या उसके बच्चे को नुकसान पहुंचने का अंदेशा हो तो फिर वो रोजा छोड़ सकती, और बल्कि नुकसान की शदीद खौफ में तो रोजा छोड़ना वाजिब हो जाता है। शदीद खौफ, अकली शदीद खौफ अगर हो, कोई ऐसी बीमारी हो रही है, कोई ऐसी कमी हुई जा रही है, बच्चे की ग्रोथ रिटार्डेशन ऐसी हो रही है, उसका कॉज मसलन यही है कि अगर इसने अपनी गजा और ये सब का ख्याल नहीं किया पानी वगैरह का तो बच्चे को और नुकसान पहुंचेगा, तो ठीक है फिर ये रोजा छोड़ दे और उसके बाद उसका फिदिया दे दे। यानी 3 पाव खाना, आटा या भी बहुत सी और चीजें भी हैं, वो किसी मुस्तहिक को कफारे के तौर पर दे। यानी इसमें 3 एक लिहाज से मसले के शिके बनती हैं। एक तो ये कि अगर वो रख सकती है रोजे और कमजोरी हो रही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आपने सुन लिया कि शदीद कमजोरी भी रोजा छोड़ने का बाइस नहीं बनती। नुकसान, शदीद नुकसान जिसकी अकली कोई तौजी हो, अकल कह रही हो कि उसे लाजमी रोजा छोड़ना चाहिए, तो फिर अगर पहले महीने से लेकर 7वें महीने तक का मामला है तो फिर वो शदीद नुकसान के खौफ की वजह से रोजा छोड़ेगी और बाद रमजान कजा करेगी, कफारा और फिदिया वगैरह का मसला नहीं। और 8वें महीने के बाद से लेकर डिलीवरी तक की टाइम में अगर कभी कोई ऐसा कोई खौफ इसको दरपेश होता है तब भी वो रोजा छोड़ सकती है, और फर्क ये होगा कि कजा के साथ साथ इसको एक फिदिया भी देना पड़ेगा। जो हामिला औरतें जब रोजा छोड़ती, लोग फकत एक ही मसला इसमें समझते हैं कि बस फिदिया देना है उसको, रोजा हामिला है तो रोजा छोड़ेगी और फिदिया दे देगी,
नहीं ऐसा नहीं, इसके अंदर ये शिकें हैं जिसको मद्देनजर रखना चाहिए कि कब ऐसा किया जाता है। وصلى الله على محمد وآله।